आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही रोचक तथा बहुत ही ज़बरदस्त गणितीय पहेली लेकर आया हूँ। अगर आप इस गणितीय पहेली को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं तो समझिए कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं तथा आपके माइंड का IQ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पहेली समझते हैं। आपको आकार में एक समान 9 गोले दिए गए हैं, अर्थात आपको 9 गोले दिए गए हैं जो देखने में बिल्कुल एक समान हैं, जिनमें से कोई एक गोला अन्य सभी 8 गोलों से भारी है। 9 गोले हैं तो इनमें से कोई एक गोला अन्य 8 गोलों से भारी है, जिसे देखने से हम नहीं पता कर सकते। आपको एक सामान्य तराजू दिया गया है जिसका मात्र 2 बार प्रयोग करके यह बताना है कि कौन गोला भारी है। अब देखिए, एक सामान्य तराजू तोलने वाला है, इलेक्ट्रिक तराजू नहीं है। इसका प्रयोग आपको 2 बार करना है, अर्थात तोलने के लिए तराजू 2 बार ही उठाना है और बता देना है कि कौन गोला इन 9 गोलों में से भारी है। यहाँ देखिए, ये 9 गोले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखने में सभी एक समान है 9 गोले, किंतु 9 में से 8 गोले, कोई 8 गोले वजन में बराबर हैं और कोई एक गोला भारी है। उसी भारी गोले की पहचान करनी है। प्रश्न समझ में न आया हो तो फिर से वीडियो बैक करके देख लें। आइए उत्तर समझते हैं। उत्तर समझते हैं। पहली बार जब तराजू उठाएंगे तो 3 गोले इस पलड़े में, 3 गोले दूसरे पलड़े में तथा 3 गोले नीचे रख देंगे। अब यदि यह पलड़ा नीचे झुकता है तो हम समझेंगे कि जो एक भारी गोला है इसी तीनों में से कोई है, या ये पलड़ा झुकता है तो हम समझेंगे कि जो एक भारी गोला है इस पलड़े में है, और दोनों में से कोई नहीं झुकता है तो हम यह स्पष्ट हो जाएंगे कि वह भारी गोला इन तीनों में से कोई है। तो इस तरह से 3-3 का जो हम बनाए हैं जोड़ा, उसमें से पहचान हो जाएगा कि किस में भारी गोला है। स्पष्ट नहीं होगा लेकिन ये पता चल जाएगा कि इन तीनों में से कोई भारी है, कि इन तीनों में से कोई भारी है, कि इन तीनों में से कोई भारी है। अब जिनमें से कोई भारी है उन तीनों गोलों को रख के बाकी 6 गोलों को हटा देंगे। जो तीनों में से कोई एक हमें लगा कि भारी है तौलने के बाद, तो उसे रख लेंगे, बाकी 6 गोले को हटा देंगे। दूसरी बार जब तराजू उठाएंगे तब उन तीनों में से जो हम उठा के रखे हैं, एक गोला इस पलड़े में, दूसरा गोला इस पलड़े में और तीसरा नीचे रख देंगे। जब ये पलड़ा नीचे झुकेगा तो स्पष्ट गोले की पहचान हो जाएगी कि यह भारी है। जब यह झुकेगा तो पहचान हो जाएगा कि यह भारी है। दोनों में से कोई नहीं झुका तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो नीचे वाला है यह भारी है। इस प्रकार भारी गोले की पहचान हो जाए। तो कैसा लगा उत्तर? रोचक लगा कि नहीं लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आशा है कि यह गणितीय पहेली बहुत ही रोचक लगी होगी, और आप भी अपने मित्र मंडली में पूछें, शेयर करें और देखें कि वे बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले गणितीय पहेली के साथ। धन्यवाद।